लोग पढ़ेंगे झारखंड के लोक नृत्य पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं पूरा कवर कराऊंगा। टोटल 30 आपको लोक नृत्य पढ़ना है, अगर पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाएंगे। और मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। विथ कॉन्सेप्ट आपको याद करने का कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, आराम से एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। झारखंडी लोग कितना 30 लगभग डांस है फेमस, दूसरे स्टेट में देखिएगा 5-6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब सालों भर नाचते रहता है, सालों भर नाचता है झारखंडी, सालों भर झारखंडी नाचता है। तो यही ट्रिक्स है, ठीक है, सालों भर झारखंडी नाचता है। तो ये पूरे साल का 12 महीने का ये सर्किल मान लीजिए, ठीक है। इसको फेस्टिवल का 4 काल में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। झारखंड का या हिंदी कैलेंडर में या हिंदू कैलेंडर में पहला महीना होता है फाल्गुन, ठीक है। तो फाल्गुन से ही डांस का काल शुरू होगा, ठीक है। और ये फाल्गुन शुरू कब होता है, कोलोम सिंगबोंगा फेस्टिवल से, ठीक है, कोलोम सिंगबोंगा फेस्टिवल 1 फाल्गुन के दिन होता है, ठीक है, इसी से शुरू होता है। उसके बाद, ठीक है, ये एक सर्कल है, मैंने एक पार्ट से डांस का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी में सारा क्लियर, सारा कवर, बहुत चीज़ कवर हो जाएगा इसमें, सारे इम्पोर्टेंट चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा फेस्टिवल, ये जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं बसंत ऋतु चलता है इस समय, तो बसंत ऋतु का फेस्टिवल होगा यहाँ पे। ये ग्रीष्म, ये वर्षा, ये शीत, शीत मतलब ठंडी, क्लियर। ये फेस्टिवल वसंत ऋतु में जो फेस्टिवल हो, जितने भी डांस होते हैं उस डांस को कहा जाता है जदू डांडी, जदू डांडी, क्लियर हो जाइए, ठीक है। ये यहाँ जदू डांडी होगा, ठीक है। उसके बाद होगा खद्दी डांडी, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है खद्दी डांडी, एकदम क्लियर हो जाइए। डांडी मतलब नाच को ही डांडी बोलते हैं, क्लियर। इसमें करम डांडी, ये करम डांडी, ये माघे डांडी, क्लियर हो जाए। आपसे पूछेगा माघे डांडी नृत्य कब होता है, शीत ऋतु में करम डांडी, वर्षा ऋतु में खद्दी डांडी, ग्रीष्म ऋतु में जदू डांडी, बसंत ऋतु में, क्लियर। और साथ में इसमें ये पूछेगा यहाँ पे ये वसंत जदू डांडी कब से कब तक मनाया जाता है, कोलोम सिंगबोंगा फेस्टिवल के बाद और सरहुल फेस्टिवल से पहले, ठीक है। पूछेगा खद्दी डांडी कब मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल के बाद और आषाढ़ी फेस्टिवल के पहले, क्लियर। और पूछेगा कि करम डांडी कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आषाढ़ी के बाद और सोहराई से पहले, सोहराई फेस्टिवल से पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि ये माघे डांडी कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सोहराई फेस्टिवल के बाद और कोलोम सिंगबोंगा फेस्टिवल से पहले, क्लियर। ये चारों डांडी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जदू डांडी में कौन सा नृत्य किया जाता है, दैट इज जदूर, नाम से ही पता चलता है जदूर नृत्य, क्लियर। खद्दी डांडी में कौन सा फेस्टिवल किया जाता है, जपी नृत्य, क्लियर। वर्षा काल में या करम डांडी में कौन सा नृत्य होता है, तो कर्मा नृत्य, क्लियर। और पूछेगा शीत ठंडी ऋतु में या माघे डांडी में कौन से डांस होता है, तो माघे नृत्य, क्लियर हो गया सारे। और बताता हूँ, पूछेगा जदूर कैसा नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नाचता है, वेरी गुड। जपी नृत्य कैसा है, तो ये शिकार नृत्य है, क्यों है सब बताऊंगा अभी, शिकार नृत्य है ये बताइए। अगर आपसे पूछे कि कर्मा नृत्य कौन से कर्मा किस तरह का नृत्य है, ये लहुसा नृत्य है, लहुसा नृत्य, ठीक है। अगर पूछे कि माघे नृत्य कौन सा नृत्य है आप लोगों का, तो क्या बताइएगा,
जोरगो नृत्य, जोरगो नृत्य, जोरगो नृत्य, क्लियर। सामूहिक नृत्य जदूर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्री और पुरुष साथ में इसमें नाच डांस करते हैं, स्त्री पुरुष। इसीलिए पूछे इनमें से कौन सा सामूहिक नृत्य है, तो जदूर। पूछे जदूर कब मनाया गया, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कब, जदूर डांडी में मनाया जाता है। टाइम, कोलम सिंह बोंगा के बाद और सरहुल से पहले, क्लियर। अब आएगा जपी नृत्य। जब पूछेगा जपी नृत्य कब मनाया जाता है, सरहुल के बाद और आषाढ़ी से पहले, और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्मकाल में, और ये खद्दी डांडी है, क्लियर। ये शिकार नृत्य क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये देखिए। जपी नृत्य जो उरांव जो है, उरांव जनजातियों का स्पेशल नृत्य है, बाकी सिर्फ उरांव का नहीं, ठेका है कि सब इसी को डांस करते हैं, सब मतलब फेस्टिवल मनाते हैं, सदान भी मनाते हैं और आदिवासी समुदाय के लोग भी मनाते हैं। देखिए तो उरांव से कैसे आया, उरांव पता है, पहले बहुत बार मैं बता चुका हूँ, रोहतास में रहते थे, रोहतासगढ़ बिहार में है, रोहतासगढ़। यहाँ पे मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो उरांव को वहाँ से पलायन करना पड़ा और छोटानागपुर में आके शरण लिया उन लोगों ने, ठीक है। तो उससे पहले का घटना ये, तो बाद में शरण लिया जब मुगल जीत गए, तब जब मुगल जीत नहीं पाए थे उस समय का घटना है। मुगल हमेशा, मुगल हमें और उरांव में, उरांव को हराने का हमेशा से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उरांव छापामार युद्ध में बहुत तेज तर्रार हुआ करते थे, इसलिए मुगलों ने बहुत बार मुगल को उरांव ने भगा दिया था रोहतासगढ़ से। तो एक बार क्या हुआ, तो मुगलों ने प्लान किया कि भाई जब इन लोग का जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल के दिन सारे उरांव पी के उल्टा पुल्टा रहता है, उस दिन अटैक करते हैं, सारे मर्द सोए हुए रहेंगे तो हम आसानी से जीत सकते हैं उरांव को। तो वही प्लान किया, लेकिन उस दिन क्या बोलता है, उरांव की दो वीरांगनाएं कलई देवी और सनई देवी, मैं नाम भूल रहा हूँ क्या, सनई दई और हाँ सनई, यही नाम है, सनई दई और कलई दई, दो स्त्री, दई मतलब उरांव भाषा में दीदी होता है, दीदी। ये दोनों स्त्रियों ने पूरा नेतृत्व किया और जितनी भी महिलाएं, उरांव महिलाएं थी, सबको बोला कि सब पुरुष का ड्रेस पहन के आ जाओ और चलो मैदान में लड़ने, और गया और मुगलों को खदेड़ दिया, ठीक है। फिर खदेड़ के जब मुगल भाग रहे थे तब इन लोग जो आराम मुँह हाथ धोने लगे, तो जब लड़कियां मुँह हाथ धोती है तो दो हाथों से धोती है, हम कभी भी आप देखिएगा लड़कियाँ जब मुँह धोती है तो दोनों हाथ का यूज करती हैं, और लड़के जब भी मुँह धोते हैं तो एक ही हाथ से मुँह धोते हैं। तो उसमें से कोई एक दो सैनिक ने देख लिया और जाके अपने सरदार को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वो स्त्री, वो पुरुष था ही नहीं, थे स्त्री ही था, हम लोग बस उसके शौर्य को देख के भाग आए। तो फिर दोबारा मुगलों ने अटैक किया और जीता था, लेकिन हराया था इस स्त्रियों ने। तो इस उसी फेस्टिवल का, उसी फेस्टिवल, उसी खुशी में जो ये दोनों के वीरांगनाओं ने वीरता दिखाया था, उसी खुशी में जपी फेस्टिवल होता है, जपी मैंने फेस्टिवल होता है उरांव का बहुत फेमस, उसी दिन जपी नृत्य बोल के डांस भी होता है। इसलिए इस डांस में क्या होता है, इसमें महिलाएं जंगल में जाती है शिकार खेलने के लिए, जंगल से फल फूल जो भी चीज़ मिलते हैं लेके आते हैं और डांस करते हैं, जंगल में डांस करते हैं, ठीक है। तो ये है जपी नृत्य, इसीलिए इसको शिकार नृत्य कहते हैं, क्योंकि महिलाएँ उस दिन डांस करने के लिए जाती हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है, करम डांडी। करम डांडी को लहुसा नृत्य क्यों कहा जाता है, करम डांडी में जो गीत गाया जाता है, जो जो डांस होगी, करम कर्मा नृत्य करते समय जो गाना गाया जाता है ना, गाना सॉन्ग, उस सॉन्ग को लहुसा कहते हैं, ठीक है, लहुसा। इसीलिए इस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है, ये याद रखिए आप, क्लियर। इसमें आठ आठ की पंक्ति बना के लड़कियां, एक इधर आठ लड़का आठ लड़की, दोनों ऐसे ऐसे करके, ये इसका अंगूठा छूना चाहेगा, ये इसका अंगूठा छूना चाहेगा, इस तरह का डांस होता है। तो इसलिए इसको लहुसा नृत्य कहते हैं। ये देखिए माघे डांडी, ठीक है, माघे डांडी जो होता है विशेष पर्व त्यौहार होता है, इसमें
जिसको कहते हैं माघी पर्व, माघी पर्व भी कहते हैं। माघी पर्व में क्या होता है, धांगरों की विदाई होता है, धांगर, धांगरों की विदाई। ये धांगर क्या होता है, ये कृषक मजदूर होता है, कृषक मजदूर जो खेती करने आता है ना, आप क्या बोलता है, आप मजदूर रखते हैं, वो मजदूर तो कुछ दिन अपने घर भी जाएगा, खेती ख़त्म हो जाता है इस पीरियड आते जाते, धान कटाई सब कुछ हो जाता है, तो वो मजदूर अपना घर तो जाएगा ही, तो उसको कुछ दिन के लिए मालिक बोलता है कि जाओ, पैसा देता है महीने भर का, कुछ खाने पीने का देता है, नया कपड़ा पहना के इस धांगरों को विदाई करता है, जाओ तो कुछ दिन घर में लौट के आओ, और इतना दिन ब्रेक होता है, ठीक है। ये जब ये यहाँ माघी पर्व हो गया ना, माघी पर्व जिस दिन हो गया उस दिन इतना ब्रेक होता है, इस ब्रेक में धांगर अपने घर में रहता है, मतलब खेती कर्म होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको धांगरों की विदाई कहते हैं। और धांगर फिर रिटर्न आता है कोलम सिंह मुंगा फेस्टिवल में, ये परंपराएं हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको मैंने बता दिया, और क्या बचा इसमें, ये जोरगो नृत्य। जोरगो नृत्य का मतलब इस क्या होता है मुझे भी अच्छा से पता नहीं है, अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताइएगा, ये जोरगो नृत्य इसको क्यों कहा जाता है। तो इसी तरह ये ख़त्म हो गया दोस्तों, और आपको ये पता है कि ये देखिए टाइम भी अगर पूछे महीने में, तो महीना फाल्गुन इसी से याद हो जाएगा, पहला महीना फाल्गुन होता है। सरहुल हमेशा याद रखिएगा, सरहुल का टाइम तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक से याद कर लिए, सेतुद्री, ठीक है, चेसुद्री, ये ट्रिक है, मैं बना, ये हमेशा याद रखिए, सरहुल का हमेशा पूछता है कब डेट होता है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को, ठीक है, चेसुत्री है तृतीया को, चेसुत्री, चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, ये तो हमेशा 100 में VVI क्वेश्चन है। तो आपको पता चल गया कि जदूर होता है फाल्गुन से चैत, उसके बाद आषाढ़ी में तो कोई महीना याद रखने का जरूरत ही नहीं, आषाढ़ महीना, सोहराई को सबको पता है कि कार्तिक महीने में सोहराई होता है, ठीक है, कार्तिक महीने में, और कार्तिक से लेके फाल्गुन तक माघे पर्व, फाल्गुन से लेके चैत तक जदूर, चैत से लेके आषाढ़ तक जपी नृत्य, और आषाढ़ से लेके कार्तिक तक आपका क्या चलता है, करम डांडी। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, कोई टिपिकल नहीं है, दो चार बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, चार नृत्य यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया, जदूर जपी नृत्य, माघी नृत्य, और वो क्या, और क्या बच गया, कर्मा नृत्य, चार हो गया। अब पांचवा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज छऊ नृत्य, देखिए छऊ नृत्य, छऊ देखिए, ये नृत्य में तीन स्टेट में बहुत कंपटीशन चलता है, तीन स्टेट में, ये बोलता है मेरा, ये बोलता है ये मेरा, मेरा बेस्ट, वो बोलता है मेरा बेस्ट, उसको मेरा बेस्ट, देखिए उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ठीक है, झारखंड में इसका हब है सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, खरसावा, यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, बहुत सारे नहीं है मगर यहाँ पे बहुत विदेशों से भी लोग आते हैं ये करने के लिए। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया और उड़ीसा का मयूरभंज, मयूरभंज, तो ये तीनों का थोड़ा सा डिफरेंट है छऊ डांस में, कोई मुकुट्टा लेके करता है, कोई छोटा मुकुट्टा लेके करता है, कोई बिना मुकुट्टा का करता है, इसलिए इन तीनों में बहुत कंपटीशन चलता है। ये सारे जगह का नाम याद रख लीजिएगा, कहाँ कहाँ छऊ नृत्य का हब कहा जाता है, ये तीन हब है, ठीक है, और तीनों में कंपटीशन चलता है। अब आ गया ये इसका जन्म, जन्म देखिए, जन्म तो बहुत पहले से ही हुआ था, ये जन्म पुरहाट के सिंह राजाओं के शासनकाल में से ही शुरू हो गया था, पुरहाट के सिंह राजाओं के शासनकाल में, और पुरहाट का ही बच्चा है जो बना ना, सरायकेला रियासत बना था और खरसावां रियासत बना था, अलग अलग रियासत इन्हीं लोगों का बच्चे लोगों ने बनाया था, ये सरायकेला रियासत जो विक्रम सिंह ने बनाया था ना, विक्रम सिंह ने बनाया था सरायकेला रियासत, इसने पूरी तरह से इसको विकसित किया, इसको खूब संरक्षण दिया और खूब फला फूला इसके सरायकेला रियासत में, इसीलिए
छऊ नृत्य का जन्मदाता पूछेगा कौन है, सरायकेला रियासत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अब देखिए सरायकेला रियासत जो विदेश यूरोप में जो पहली बार देश से बाहर अगर किसी नृत्य का झारखंड में झारखंड का किसी नृत्य का ये हुआ है प्रदर्शन हुआ है, दैट इज छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य को प्रदर्शन कौन किया था, ये सरायकेला रियासत का ही एक राजकुमार था, वो खुद एक बहुत बड़ा डांसर था, सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु नारायण सिंह ठीक है, ये राजकुमार था सरायकेला रियासत का। 1938 ईस्वी में यूरोप के कई देशों में इसने डांस प्रदर्शन किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुधेंदु नारायण सिंह किस नृत्य से फेमस थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। छऊ नृत्य का दो धारा होते हैं दोस्तों, छऊ नृत्य दो तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब दो भाग होते हैं, मतलब दो टाइप का होता है। एक कहते हैं हथियार धारा, दो धारा मान लीजिए, हथियार धारा, दूसरा को क्या कहते हैं काली भंग धारा। देखिए काली भंग धारा, तो हथियार धारा से पता क्या चलता है, हथियार तो ये शौर्य रस है, इसमें पूछेगा शौर्य का ये प्रमाण देता है, मतलब इस डांस में शौर्य दिखाया जाता है। ठीक है, शौर्य मतलब वीरता दिखाया जाता है, इसलिए वीर रस भी याद रखिए, हथियार से ही पता चलता है वीरता का निशान। काली भंग मतलब काजल, तो काजल मतलब क्या हो गया, ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार प्रेम लव स्टोरी ये सब ये प्रदर्शन करता है। अब देख लीजिए छऊ नृत्य को एक सामान्य नृत्य आप ना समझें, जो जितने भी झारखंड में नृत्य है ना, कोई भी क्लासिकल टाइप का नहीं है, ये स्पेशल टाइप का है, जिस तरह कथक कुचिपुड़ी ये सब होता है ना, बाकी सारे डांस तो आप कैसे भी डांस नाच दोगे उसमें कोई देखने वाला नहीं। इसमें क्या होता है कि आप डांस भी कीजिए और डांस और सॉन्ग के साथ एक कहानी को भी प्रदर्शित कीजिए, इसका स्टेज प्रोग्राम होता है, लोग देखने आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हथियार धारा का एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब डांस सॉन्ग आपके बॉडी के एक्सप्रेशन से आपको पूरा कहानी बताना है। जैसे हथियार धारा में क्या राम, और इसमें होता है क्या, इसमें बस वही पुरानी कथाएं दर्शाया जाता है छऊ नृत्य के इसे। देखिए शौर्य रस वीर रस कैसे दिखाया, राम ने रावण को पूरा मारने का घटना दिखाया, राम ने रावण को कैसे मारा, तो उसके लिए हथियार धारा। और काली भंग धारा अगर रहेगा, राधा कृष्ण का प्रेम कहानी ये सब दिखाएगा, डांस बॉडी के एक्सप्रेशन और सॉन्ग के जरिए। क्लियर, दूसरी बात आपको याद रखिए, छऊ नृत्य पुरुष का सिर्फ पुरुष ही भाग लेता है, सिर्फ पुरुष ही रहता है छऊ नृत्य में। क्लियर, अब हम लोग पढ़ते हैं। ये नृत्य 1938 ईस्वी में बता दें यूरोप में फिल्माया गया था। प्लस आपको ये याद रखना कि महात्मा गांधी के सामने भी स्टेज शो किया गया था छऊ नृत्य का, महात्मा गांधी के सामने। ठीक है, 1941 में महात्मा गांधी ने इसकी खूब तारीफ की थी। उसके बाद कुछ इसके डांसर के नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ये देखिए ये क्लासिकल डांस तो है नहीं रिकॉग्नाइज्ड, बट क्लासिकल डांस के टाइप ही है ये। झारखंड में इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है, टोटल 8 हैं, है ना, कथक कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम कथक कुचिपुड़ी ओडिशी मणिपुरी कथक कुचिपुड़ी ओडिशी मणिपुरी भारतनाट्यम 1 2 3 4 5 6 कथकली लिख दिया, कथकली और एक सात्रिया ये असम का है। ठीक है दोस्तों, ये वाले किसी बहुत आदमी को नहीं पता होगा, नया हुआ है इसलिए। ये टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और क्लासिकल डांस ये भी एक तरफ से देखा जाए क्लासिकल डांस है, इसीलिए इसकी इतनी महत्ता है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड अभी नहीं हुआ है, इसमें बहुत प्रयास चल रहा है इसको क्लासिकल बनाने के लिए। इसमें आपको इसके कुछ डांसर का नाम याद रखिए, केदारनाथ साहू का तो एकदम 100% नाम रखिए, ये और मकर ध्वज दारोगा
ये जो दो आदमी है ना, ये दोनों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है कला के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, इसी डांस को करते हुए। इसलिए ये दोनों का नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और नाम अभी बहुत फेमस है, श्याम चरणपति, चरणपति और कमला चरणपति, कमला चरणपति, ठीक है। शायद इन हस्बैंड वाइफ है कि भाई बहन है नहीं बता सकता हूँ, मगर है वो एक ही परिवार के होंगे, जब टाइटल चरणपति एक ही है। जैसे भी है ये आप लोग याद कर लिए, श्याम चरणपति और कमला चरणपति, बहुत फेमस है ये नाम। प्लस अभी अभी जो उभरता हुआ एक सितारा है प्रभात कुमार, ठीक, उस प्रभात कुमार को भी आप याद रखना पड़ेगा आपको। प्रभात कुमार एक इससे रिलेटेड है, इस डांस से, छऊ डांस से। प्रभात कुमार से तीन चीज़ याद रखना पड़ेगा, प्रभात कुमार एक छऊ डांसर है, प्रभात कुमार हमारा पहला राज्यपाल था, और प्रभात कुमार को झारखंड का एक साइंटिस्ट है, मैंने ये साइंटिस्ट है, इसने क्या खोज किया है, 108 टाइप का बटरफ्लाई मिलता है झारखंड में, इसी ने खोज किया था। अलग अलग प्रभात कुमार है तीनों, ये नहीं कि वही डांसर है तो बटरफ्लाई। तो प्रभात कुमार जो साइंटिस्ट टाइप का है उसको कहा जाता है बटरफ्लाई मैन, बटरफ्लाई मैन, ठीक है। ये मतलब पिछले साल की घटना है, प्रभात कुमार को झारखंड का बटरफ्लाई कहा जाता है या बटरफ्लाई मैन कहा जाता है। एक ही प्रभात कुमार से आपको तीन चीज़ें याद हो गई। अब देखिए इस ये नृत्य को संरक्षण देने के लिए, छऊ नृत्य को संरक्षण देने के लिए भी कुछ संस्थाएं बनी है दोस्तों, उन संस्थाओं का भी नाम याद कर लें तो कोई गुनाह नहीं होगा। राजकीय छऊ नृत्य कला, राजकीय छऊ नृत्य गर्मी राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, ठीक है, सराय 1960 में बनाया गया सरायकेला में, ये आप याद रख लीजिए, ये राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र कहाँ, सरायकेला में। और एक बनाया गया मानभूम छऊ नृत्य, मानभूम, ये हाल फिलहाल बनाया गया छऊ नृत्य सेम है, मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र सेम नाम है, देखिए यहाँ सिर्फ राजकीय है यहाँ मानभूम है, ठीक है। ये मानभूम है नाम है, लेकिन मानभूम में नहीं है, ये सिल्ली में है, पंचप्रगना या रांची का एक ब्लॉक है सिल्ली, ठीक है। इसको अभी हाल फिलहाल बनाया गया है, इसको छऊ नृत्य को संरक्षण देने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें क्या दोस्तों, विरासत नृत्य यूनेस्को ने, यूनेस्को एक संस्था है, ठीक है, वो यूनेस्को का काम ही है कि दुनिया के जितने भी विरासत है, विरासत मतलब ट्रेडिशनल पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है सारी चीज़ का संरक्षण देना यूनेस्को का काम है। तो यूनेस्को ने 2010 में छऊ नृत्य को विरासत नृत्य घोषित किया है, विरासत नृत्य, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। विरासत पशु अगर झारखंड का पूछ दे तो कौन है, दैट इज हाथी, विरासत पशु हाथी, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। विरासत नृत्य क्या है झारखंड का, नहीं ये यूनेस्को ने किसे विरासत नृत्य घोषित किया है झारखंड के नृत्यों में से, छऊ नृत्य, बाकी वो जो आठ नृत्य अभी बताए थे ना, उस आठों को घोषित किया है प्लस एक छऊ, नौ को घोषित किया है यूनेस्को ने विरासत नृत्य के तौर पे, 2010 में किया था, ठीक है। छऊ नृत्य में इतना ही रखिए। अब हम लोग चलते हैं पाइका नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइका नृत्य, देखिए पाइका नृत्य ये देखिए पाइका क्या होता है दोस्तों। पाइका आपने वो चुवार विद्रोह जब पढ़े होंगे तो ये पाइका शब्द सुने होंगे, चुवार विद्रोह में क्यों हुआ था, क्योंकि जो गवर्नमेंट, मैंने बहुत सारे चुवार विद्रोह का कारण था, मेन कारण था तो कि वो जमींदारी और क्या कहते हैं उसको, वो प्रथा को बंद कर दिया था, वो मेन कारण था। प्लस ये था कि पाइकान भूमि को सरकारी भूमि बनाया जा रहा था, सरकारी भूमि बनाया जाता था, ठीक है, इसको पाइकान भूमि क्या होता था, उस समय के जो जमींदार हुआ होते थे, बड़े बड़े मतलब पैसे बड़े जमींदार होते थे, तो एक जमींदार के पीछे लाठी लेके लठेत,
दस बारह लट्ठे ड्रेस पहन के खड़े रहते थे कि भाई जिसको लोन दिया है पैसा पैसा मत लौटाओ, लेकिन तुम इंटरेस्ट जरूर लौटाओ। वो बोलेगा नहीं मैं नहीं लौटाऊंगा, घर में दस आदमी है। तो वो क्या करता था, 20 पाइक ले जाता था और मरवाता था, मारता था और ये लेके आता था। तो पाइक मतलब वही उस समय के बॉडीगार्ड या लठेत जो बोलिए वो पाइक। तो उस पाइक को जमींदार क्या करता था, वेतन के बदले जमीन देता था। तो उस जमीन को पाइकान भूमि कहते थे, ठीक है। इसमें भूमि जनजाति ज़्यादा लोग थे, पाइकान भूमिजों मतलब वो लठेत का काम ज़्यादा वो भूमिज लोग करते थे, ठीक है। तो उसी को सरकारी भूमि बनाया जाता था। पाइक मतलब आप समझ गए कि क्या, सिपाही, एक तरह से सिपाही, समझ गए ना। तो पाइका नृत्य में क्या होगा, पाइका नृत्य में क्या होगा कि जो डांस करेगा आदमी वो सैनिक 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 ड्रेस में डांस करेगा, ठीक है। सैनिक ड्रेस में आजकल तो स्टाइलिश हो गया, फौजियों का ड्रेस पहन के डांस कर रहा है, एयरफोर्स का ड्रेस पहन के, नेवी का ड्रेस पहन के, सीआरपीएफ का ड्रेस पहन के, लेकिन वही है ये क्या पाइका नृत्य, सैनिक ड्रेस पहन के नाचा जाता है। और इस घटना से आपको समझ में आ गया होगा पाइक मतलब क्या होता है। और ये किस रस की कहानी, ये डांस होगी वीर रस, इसमें वीर रस वीरता दिखाएगा, सैनिक क्या दिखाएगा, वीरता वीर रस की प्रधानता है इसमें। उसके बाद देखिए नचनी डांस, पूछेगा नचनी डांस क्या होता, नचनी डांस एक पेशेवर डांस है। पूछेगा कैसा डांस है, ये सैनिक नृत्य था, ये पेशेवर नृत्य है। पेशेवर नृत्य, पेशेवर नृत्य मतलब होता है पैसा दो तभी नाचेगा, ठीक है। नचनी नहीं बुलाते हैं, क्या बोलता है डांसर बुलाते हैं, नचवाते हैं स्टेज में, वही डांस है नचनी डांस, ठीक है। नचनी में नचनी नायिका रहती है और रसिक रसिक नायक रहता है, इन लोग दोनों डांस करता है। और ये रसिक और नाचनी कब आएगा, जब पैसा दोगे। तो इन लोगों का पेशा है ये नाच करना और आपका मनोरंजन कराना, इसीलिए इसको पेशेवर नृत्य कहते हैं, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेटुआ नृत्य। देखिए नेटुआ नृत्य, नेटुआ नृत्य क्या है, ये देखिए नेटुआ नृत्य होता है, पुरुष ही लड़की का ड्रेस पहन के नाचता है, पुरुष ही लड़की का श्रृंगार करके नाचेगा स्टेज में, पुरुष स्त्री का रूप लेके नाचेगा। आजकल तो ये प्रथा बंद हो गई है, पुराने ज़माने में शादी विवाह में नेटुआ डांस बहुत होता था। तो मतलब इसमें पुरुष ही स्त्री बन के नाचेगा, तो ये पुरुष डांसर होगा तो ये भी एक पेशेवर पैसा लेके ही नाचेगा, इसलिए ये भी पेशेवर नृत्य है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का नृत्य है, पेशेवर नृत्य है। और पहचान क्या है, पुरुष स्त्री बन के नाचेगा, क्लियर। उसके बाद है अग्नि नृत्य, ठीक है। अग्नि नृत्य ये क्या होता है दोस्तों, ये मंडा पूजा जहाँ होता है, मंडा पूजा या बीपू पूजा, ठीक है, बीपू पूजा, इसी को बीपू पूजा भी कहते हैं। ये शंकर भगवान का पूजा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आग जला देता है और आग के किनारे लोग डांस करते हैं, ठीक है, इसको अग्नि नृत्य कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा अग्नि नृत्य किस तरह का नृत्य है, तो ये धार्मिक नृत्य है, क्लियर। और किस पूजा में मनाया जाता है, मंडा पूजा में या बीपू पूजा में, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं झूमर नृत्य। झूमर नृत्य, देखिए झूमर नृत्य बेसिकली तीन तरह का होता है, वेरी सिंपल है, ठीक है। करिया झूमर, मर्दाना झूमर और बांग्ला झूमर। क्या अंतर है दोस्तों, इसमें सिर्फ लड़की रहती है, सिर्फ लड़की डांसर रहेगा, लड़की लोगों का प्रोग्राम है, ठीक है। इसको जनानी झूमर भी कहते हैं, जनानी झूमर, क्लियर। मर्दाना झूमर में सिर्फ मर्द हिस्सा लेता है, मर्द नाच नृत्य करता है। बंगला झूमर में स्त्री प्लस पुरुष दोनों मिल गए, बस यही है अंतर। और इसी से क्वेश्चन आपका लड़ेगा, बंगला झूमर को स्पेशली याद रखिएगा, दोनों रहता है इसमें। और ये क्या, ये तीनों झूमर जो होता है ना कभी स्टेज में नहीं होता, इस ये हमेशा खुले मैदान में होता है,
बाकी ये खुले मैदान में होता है, बाकी जितना भी डांस देखे ना वो स्टेज प्रोग्राम हो सकता है सारे का, और सारे का किसी बंद घर में भी हो सकता है या घर के आंगन में भी हो सकता है, लेकिन ये कभी घर के आंगन में नहीं होगा, ये खुले मैदान में होगा, इसका ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे हम लोग चलते हैं गोंग और मगा, नहीं कठोरवा पहले पढ़ लेते हैं, कठोरवा नृत्य, कठोरवा नृत्य। देखिए ये कठोरवा नृत्य क्या है, इसको कहते हैं मुखोटा नृत्य, पूछेगा कैसा नृत्य है, जैसे मुखोटा नृत्य, इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, ओनली पुरुष। पुरुष क्या पहनेगा, विभिन्न टाइप का मुखोटा पहनेगा, कोई बाघ का, कोई चीता का, कोई बंदर का, और डांस करेगा, इसीलिए इसको कठोरवा नृत्य में, इसीलिए इसको मुखोटा नृत्य कहा जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। क्लियर। मुंडारी नृत्य, ठीक है, मुंडारी नृत्य, मुंडा लोग बहुत नाचता है इसमें। देखिए मुंडारी नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों नाचता है इसमें, लेकिन मेन चीज़ क्या है, इसमें कपड़ों का कलर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कपड़ों का कलर एकदम रंग बिरंगा चकमक चकमक कलर पहन के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर पहन के ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक रटना पड़ेगा गोंग प्लस मगा, गोंग प्लस मगा, ये दोनों नृत्य हो जनजाति का है। एक बार बार क्वेश्चन आता है कि गोंग नृत्य किसका है, हो जनजाति का, मगा नृत्य किसका, हो जनजाति का, मुंडारी तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि सब 100% जवाब दे देगा, ठीक है। इसमें से क्लासिकल नृत्य 8 है इंडिया में, लेकिन ये 6 नृत्य क्लासिकल टाइप का है, मगर क्लासिकल में रिकॉग्नाइज नहीं हो गया। क्लासिकल जब आपको मैंने ये बता दिया, क्लासिकल नृत्य बता दिया, तो इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज, ये भी जान लीजिए, वेरी सिंपल है याद करना, मैं एक बार देखा था मुझे याद हो गया था। जितनी भी साउथ इंडिया में भाषा है, साउथ इंडिया से आप शुरू कीजिए, सारे भाषाएँ सारे, ठीक है, टोटल 6 है, एक तो संस्कृत होगा ही क्योंकि इससे पुराना कोई लैंग्वेज है ही नहीं दुनिया में, संस्कृत एक इंडियन के लैंग्वेज में संस्कृत। बाकी नीचे शुरू कीजिए, केरल का मलयालम, उसके जस्ट बगल में साउथ इंडिया कौन है, तमिलनाडु का, उससे जस्ट बगल में कन्नड़, कर्नाटक का कन्नड़, उसके बाद तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का तेलुगु, और थोड़ा सा ऊपर आइए आपको मिल जाएगा उड़ीसा का उड़िया। नॉर्थ इंडिया आने का ज़रूरत ही नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज में, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों।